सत्यनारायण चौधरी की फुटकल कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है हृदय तरंग, और वह हृदय तरंग आज एनए के पाठ्यक्रम में संस्कृत है, पढ़ाई जाती है, उसमें से एक अंश पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। कल लाला लक्ष्मण सिंह का मेघदूत सभा से प्रकाश हो चुका है। हनुमान तथा कोंडा जी का जो कल्पद्रुम है वह कल्पद्रुम प्रकाश हो चुका है, और स्मार का प्रकाश हो चुकी है। शायद आपको पता ही है सभा रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह आयोजित कर चुकी है, जिनमें आप सबका बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। उन समारोहों में हमने देश के और नगर के सभी हिंदी प्रेमियों और साहित्यकारों का सम्मान किया है, अभिनंदन किया है, उन सबका स्मरण किया है, उन पर परिचर्चाएँ गोष्ठियाँ आयोजित की हैं, और उनके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार की श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाने का बड़ा सक्रिय कार्य किया है। उसी क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभा अभी भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती है, जिन प्रतियोगिताओं में वाद विवाद, निबंध लेखन, कहानी लेखन और नाटक, लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक इत्यादि होते हैं जो समय समय पर आयोजित होते हैं। उनसे नए युवा कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, कार्य करने का अवसर मिलता है, और वे हिंदी के प्रति आवश्यक रूप से आकर्षित होते हैं। इसी क्रम में एक श्रृंखला प्रारंभ हुई है जो लगभग 1990 से प्रारंभ हुई है। हमने हिंदी की उल्लेखनीय सेवा करने वालों का अभिनंदन सम्मान करना प्रारंभ किया है, और उनको अल्प धनराशि से पुरस्कृत करना प्रारंभ किया है। हमने लगभग 4-5 11,000 रुपये के पुरस्कार देते हैं, और 2 पुरस्कार हमारे 5-5,000 के हैं, जिनके माध्यम से हम स्थापित साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। वे सम्मान से यद्यपि संपन्न नहीं होते, लेकिन उनका दायित्व रहता है, वे स्वयं कहते हैं कि हमें सम्मान से ये लगता है कि हमें और हिंदी में लगन से कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम हिंदी को और प्रचार प्रसार कर सकें, साहित्य को समृद्ध कर सकें। इसी प्रकार सभा ने दक्षिण भारत और विदेशों में कार्य करने वाले हिंदी शिक्षकों, जो हिंदी का पढ़ाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, उनका सम्मान करना प्रारंभ किया है। यह श्रृंखला निरंतर चल रही है, और इस श्रृंखला से हिंदी के प्रसार का कार्य सफल और सशक्त हो रहा है। हिंदी के प्रचार में सभा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आप सब जानते होंगे शायद अभी 2000 शायद बारह मधु जी कब हुआ था आपका प्रमोशन 11 तारीख 2009 में मधु भारद्वाज जी के एक कहानी संग्रह का विमोचन करने के लिए प्रोफेसर नामवर सिंह आए थे। उन्होंने स्वयं कहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, उनका वाक्य का तो लगभग है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नागरिक चयन सभा आगरा साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय है, जबकि काफी नागरिक चयन सभा में कुत्ते सो रहे हैं। अर्थात काशी के निवासी नामवर सिंह का यह कथन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें बड़ा प्रेरक लगा, और उस उदाहरण को कहते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारे कार्यों के पीछे सभा के कर्मचारी बहुत कम हैं, बहुत अधिक हैं। सभा के नगर के नागरिक, हिंदी के सेवक, साहित्यकार और रचनाशील धर्मी आगरा के निवासी, इन सब ने बड़ा कार्य किया है, और इन सब ने निरंतर हिंदी को गति देने का प्रयत्न किया है। मेरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखेंगे और सभा को निरंतर गतिशील होने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, वैज्ञानिक प्रयोग में उत्तम, दुनिया सीख रही है हिंदी। इसी भावना के साथ मेरा विश्वास है कि हिंदी एक दिन विश्वभाषा होकर रहेगी, और उसमें नागरिक चयन सभा आगरा का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर खुशीराम जी। एक गहनावलोकन सभी मुझे सूझ रहा है, समय मैं प्रयोग कर सकती हूँ। आपने जो प्रस्तुत किया उसके लिए एक विस्तृत परंतु संक्षिप्त नाट्य विचारणी का संपूर्ण योगदान का इतिहास आपने सामने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में नागरिक विचारणी सभा के वरिष्ठतम सदस्य जो 98 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका अभिनंदन
करने का हमने विचार किया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है सभा के योगदान का, परंतु हमारे भाव को पूरा होने में कुछ कसर रह गई क्योंकि वे कल से मौसमी प्रभाव से कुछ अस्वस्थ हो गए, श्री विश्वनाथ पांड्या। मैं चाहती हूँ कम से कम उनकी अनुपस्थिति में हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें कि इस अवस्था में भी वे अभी नागरिक उड्डयन के सारे आयोजनों में, सारी मीटिंग में, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मैं उनकी हमने ये निर्णय लिया है कि सभा के मंत्री और जो भी पदाधिकारी हम जा सकते हैं, समय के अनुकूल जो उस समय स्थिति में होगा, हम सब घर जाकर चौल उड़ाकर उनका अभिनंदन करेंगे और इस बात के लिए हमें बहुत गर्व भी है कि वे ऐसी अवस्था में भी इस सभा के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बहुत बहुत मेरा प्रणाम उनके प्रति, श्री विश्वनाथ पांडेय। जैसा कि अभी डॉक्टर खुशीराम जी ने बताया कि अनेक रूपों में नागरिक प्रचारण सभा का योगदान रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में, मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर श्रीमती शशि तिवारी जी को कि काव्य रूप में काव्य क्षेत्र में जो नागरिक प्रचारण सभा का योगदान है उस पर प्रकाश डालें डॉक्टर श्रीमती शशि तिवारी। धन्यवाद दीदी डॉक्टर कमलेश नागर जी। जैसा कि आपने कहा है, नागरिक प्रचारण सभा आगरा से जुड़े हुए जो कवि धर्मा लोग रचनाकार, उनके योगदान के बारे में और उन्होंने जो हिंदी का प्रचार प्रसार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से किया, इस विषय पर मैं अपना आदेश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छोटा सा यह दो पेज का नागरिक अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर, सभापति महोदय की आज्ञा लेकर और पूरे मंच और आप सबकी आज्ञा लेकर प्रारंभ करेंगे। नागरिक प्रचारिणी सभा आगरा कोई साधारण स्थल नहीं है, अपितु साहित्य की पूजा का मंदिर है, जहां एक से एक महान साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं का नैवेद्य अर्पित किया है। अभी डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी ने जैसा कि बताया कि वसंत पंचमी 27 जनवरी 1911 के शुभ दिन नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। धीरे धीरे साहित्य प्रेमियों और कवियों और कुछ धनाढ्य लोगों ने इस सभा का विकास किया और ये शहर के बीच में जहाँ स्थापित की गई थी बाबू मुजफ्फर खान से होती हुई और फिर ये यहाँ एमजी रोड तक आज जो हम इसका प्रारूप देखते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा के भवन का, वहाँ पर ये स्थापित हो गई। कालांतर में सभा का जो पुस्तकालय बनाया गया था वो और भी अधिक विकसित और समृद्ध होता चला गया। इसमें कवियों और रचनाकारों साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके जो सहयोगी कार्यकर्ता रहे वो केवल कर्मचारी या सहयोगी ही नहीं थे अपितु अच्छे कवि भी थे। इस उस समय के श्रेष्ठ कवि स्वर्गीय तोताराम पंकज, पुराने लोग सब जानते होंगे, वो पुस्तकालय की देखरेख करते थे और बहुत ही अच्छे कवि थे। उनके जो सहयोगी थे अवधेश जी और श्यामल जी, जो अभी इन्होंने बताया आप खुशीराम जी ने, उनके नाम भी उल्लेखनीय हैं। तो ये तोताराम पंकज जी अनेक वर्षों तक पुस्तकालय में कार्यरत रहे और हिंदी का प्रचार प्रसार अपनी कविताओं के माध्यम से भी करते रहे। मैंने स्वयं तोताराम पंकज जी की और वो सुभाषी जी की कविताएं खूब सुनी है। हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली इस सुप्रसिद्ध सभा से जुड़कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, नदीशर गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला मुंशी, प्रेमचंद जी, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू दुलावराय जैसे दिग्गज कवियों और साहित्यकारों ने सभा के विकास हेतु बहुत मार्गदर्शन किया था। ये सभा का भी सौभाग्य रहा। इसी क्रम में मैं याद कर रही हूँ रांगे राघव जी को, अमृतलाल नागर को, अमृतलाल चतुर्वेदी जिन्हें हम सब काका जी कहा करते थे, और उन्हें मैंने अपनी बड़ी कविताएं सुनाई, उन्होंने मुझे बड़े आशीर्वाद दिए।
पंडित जगन्नाथ तिवारी जी, सत्यनारायण कविरत्न जी, डॉक्टर दयाशंकर शर्मा, पंडित हरिशंकर शर्मा, स्नेही जी, पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी, हनुमंत सिंह रघुवंशी जी, ये मैं उन सभीयों के नाम बता रही हूँ जो साहित्य की रचना के साथ साथ, गद्य की रचनाओं के साथ साथ कविताएं भी करते थे। हनुमंत सिंह रघुवंशी जी पे और राजेंद्र रघुवंशी जी पे तो शोध कार्य भी हुए हैं। उन शोधकर्ताओं को मैं स्वयं जानती हूँ और उनके परिवारिक जनों ने भी मुझे उसके बारे में बताया है। श्री कृष्णदास पालीवाल जी बहुत अच्छे कवि भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, लेकिन बहुत अच्छे कवि थे। ठाकुर उल्फत सिंह चौहान निर्वे जी, श्रीपति लाल दुबे, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर लाल दीक्षित जी, मधुसूदन ओझा, बजरंग लाल सुल्तानिया जी, ये ऐसे ऐसे कवि थे जिन्होंने दूसरे कवियों की प्रशंसा में भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और प्रशस्तियां लिखी। तो इन कवियों और साहित्यकारों की ये सभा कर्मस्थली रही है। कुछ अन्य मूर्धन्य कवियों और रचनाकारों का नाम उल्लेख भी करना चाहूँगी। अब डॉक्टर नगेन जी का नाम तो बताया था खुशीराम जी ने, आदरणीय बाबूजी द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की स्मृति में कल कार्यक्रम भी था और उनके ग्रंथ का विमोचन करने हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी यहाँ पधारे थे। तो ऐसे ऐसे कवि हमारे हो गए हैं और डॉक्टर नामवर सिंह जी आए थे अभी इनके मधु जी के किताब का विमोचन करने, तो बड़े बड़े कवि हमारी